राजनीति के अखाड़े का एक दिया जो जला और उसने सबकी जिंदगी को रोशन भी किया। सकारात्मक राजनीति किस तरह से की जाती है? रास्ते में परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से मुंह नहीं मोड़ना। ये तमाम पाठ अरुण जेटली हम सबको पढ़ाकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दी गई। अरुण जेटली की विदाई के बाद फिलहाल चारों तरफ उन्हीं से जुड़ी खबरें वायरल हो रही हैं। उनका राजनीतिक सफर जो युवा नेताओं के लिए एक प्रेरणा है, उससे जुड़े कई किस्से यहां सोशल मीडिया पर सुनाई पड़ रहे हैं। और इस खास पेशकश में मैं मेघा एक बार फिर से हाजिर हूं अरुण जेटली की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने के लिए जिससे आप आज से पहले शायद ही रूबरू होंगे। जेटली की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें उनके साथ एक और किरदार जुड़ा है। इस किरदार का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। जी हाँ, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और अरुण जेटली, इनके रिश्ते को लेकर स्मृति ईरानी सार्वजनिक तौर पर कह चुकी थी कि सिद्धू अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलते हैं तो मैं सह लूंगी। हैरानी होती है कि अरुण जेटली के खिलाफ बोलते हैं। अरुण जेटली ने सिद्धू के लिए इतना कुछ किया है और ये बात सच भी है। नवजोत सिंह सिद्धू खुद सार्वजनिक तौर पर इस बात को मान चुके हैं कि अगर सियासत के गलियारों में कोई उनका गुरु है, अगर कोई है जिसने सिद्धू को राजनीति करना सिखाया है, तो वो अरुण जेटली ही है। किस तरह से पंजाब में विधानसभा चुनावों के दरमियान नवजोत सिंह सिद्धू और अरुण जेटली दोनों के बीच शब्दकोश के जरिए, शब्दों के जरिए होता गया वाद विवाद देखा गया, जिसके बाद सिद्धू पर अरुण जेटली ने जो वार किया, इस वार के पलटवार में नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद बीते शनिवार निधन हो गया और इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको निधन के ठीक एक दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू और अरुण जेटली के रिश्ते से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अरुण जेटली से ही राजनीति के गुण सीखकर नवजोत सिंह सिद्धू फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। बता दें आपको, नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासत के गलियारों में जो नाम कमाया है और जो जगह सिद्धू ने बनाई है, उसमें एक अहम योगदान अरुण जेटली का रहा। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले मौजूदा विधायक नवजोत सिंह सिद्धू अरुण जेटली को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं और इस बात को उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार भी किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में कांग्रेस प्रत्याशी थे और सिद्धू के खिलाफ बीजेपी की ओर से अमृतसर में ही अरुण जेटली ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जेटली ने सिद्धू की राजनीति को बार्गेनिंग काउंटर बना देने तक का आरोप लगाया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने गुरु जेटली के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी कभी नहीं की। 22 जनवरी 2017 का एक वाक्य आपको सुनाते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसी दिन सुबह नवजोत सिंह सिद्धू अचानक कंपनी बाग क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और लोगों के बीच पहुंच गए। सिद्धू ने लोगों के बीच जाकर दातुन किया, लोगों के साथ दुकान पे चाय पी, बच्चों और युवाओं के साथ क्रिकेट खेला। 3 घंटे का समय नवजोत सिंह सिद्धू ने कंपनी गार्डन में ही बिताया। वहां लोगों से वो खूब खुल मिल गए। जब लोगों ने एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा उन पर किए गए हमले के बारे में सिद्धू से उनकी राय जाननी चाही, यानी जब वहां पार्क में मौजूद जनता ने नवजोत सिंह सिद्धू से ये कहा कि आपकी राजनीति को अरुण जेटली बार्गेनिंग काउंटर कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, जेटली साहब मेरे बड़े मापे और गुरु हैं। गुरु बदले नहीं जाते, वो पार्टियों को कभी अच्छा बुरा नहीं कहते। वो चाहे तो मुझे बुलाकर मेरे कान खींच सकते हैं। मैं जेटली के बारे में कोई भी निजी बात नहीं करूंगा,
मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कांग्रेस में क्यों आया ये सबको पता है। मुझे पंजाब से बादलों को पूरी तरह उखाड़ना है। इसके अलावा मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। अरुण जेटली ने अमृतसर पूर्वी क्षेत्र में जब रैली की, इस रैली में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर हमले किए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जेटली ने कहा था, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा चुके नवजोत सिंह सिद्धू पर निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक सौदेबाजी। जेटली कहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। राजनीति में कई तरह के और कई वर्गों से लोग आते हैं, लेकिन मेरी चिंता दूसरे विषय की है जो किसी व्यक्ति से जुड़ी नहीं है। जब राजनीति में दल बदल करने वाले लोग आते हैं और अपने स्वार्थ के लिए सौदेबाजी करते हैं, तो एक सवाल उठता है कि क्या देश गैर सैद्धांतिक राजनीति करने वालों पर विश्वास कर रहा है। ऐसे लोग किसी भी पार्टी में जा सकते हैं और किसी भी दल के विचारों को अपना सकते हैं। ऐसी गैर वैचारिक राजनीति ठीक नहीं होती। यानी नवजोत सिंह सिद्धू और अरुण जेटली, इन दोनों ने एक दूजे पर राजनीति के अखाड़े में प्यार अगर बरसाया है, तो जब इनकी पार्टियां अलग हो गईं, तो एक दूजे पर सवाल भी खड़े किए। सिद्धू ने अरुण जेटली के सवालों का सीधे तौर पर जवाब कभी नहीं दिया। सिद्धू ने अरुण जेटली का अपमान कभी नहीं किया। लेकिन अरुण जेटली जब पंजाब में प्रचार कर रहे थे, तो सिद्धू की खामियों को जनता के सामने उन्होंने उजागर किया। आज अरुण जेटली हमारे बीच नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जैसे ना जाने कितने ही नेता ऐसे हैं जो राजनीति के अखाड़े में अपने पांव बुलंद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अरुण जेटली की राजनीति से खुद को प्रेरित करके।